साले एक शरीफ लड़की नहा रही है, साले घर में माँ बहन नहीं क्या? अरे तुम भी तो लड़की देखने आए हो। जुबान लड़ा रहा है पुलिस वाले से, जुबान लड़ा रहा। नमस्ते जी, क्या देख रहे हो साहब? पीस देख रहा हूँ। देखेगा साले अच्छी है ना? बहुत अच्छी है जी। तेरी सिस्टर कहाँ जा रहा है? मैं इधर आ साले, लड़की छेड़ रहा है, हमारे गांव की लड़की को छेड़ रहा है, तेरी माँ। मजा आ रहा है? भाभी बात करो, मन लगाओ। सलीम का सलाम, कसम से जल परी लग रही है। क्या हो रहा है भाई? छोटा देवर, अभी उनको इधर उधर उठा के पटके हो, अब तुम चाहते हो तुमसे लुट जाइए? अरे लुट क्या, नाना मैं ना पूछ रहे थे ना, पता कहाँ की रहने वाली हो जी? हम चंदनपुर के रहने वाले। अपना चंदनपुर बोल रही हो? हम नौटंकी वाले। नौटंकी का तो हमको भी बहुत शौक रहा बचपन में। अच्छा? हम नाचना भी जानते हैं। हाँ, मार मार के सिखाए इन दोनों को। चलो इसको चंदनपुर छोड़ो, चल के चलोगी? नौटंकी लोग, चलो आगे बढ़ो। चरित्रहीन लोग, लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना शुरू तुम लोगों का। क्या क्या तुमने कहा? तुम नहीं पूछोगे कहाँ? अरे हम पूछ रहे ना कहाँ, ये तो अंधा ही से दिखाई नहीं देता। कहाँ पूछो ना। पर अब हो कौन? मैं अबला नारी चंदनपुर में रहती हूँ। अब तो पूछो मुझे क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे चोट लग गई है, देखो ना। भैया करना क्या है? हम जा रहे हैं, छोड़ देंगे। हम छोड़ाएंगे। इन दोनों ठरकियों से अच्छा है आप इस लड़की को ले जाकर घर पे छोड़ दो। अरे कंधे पर बैठो, इधर उधर कहाँ चढ़ रही हो? संभल के जाना एडी, देखना है हमें तो एडी पे तरस आ रहा है। लॉलीपॉप लेके लौंडा भाग गया। अबे आइसक्रीम तो हम जमाए थे, सब लड़की यही ले रहा, हम तो वेटिंग लिस्ट में रह गए। देखो बड़ा एक बात जान लो आगे के लिए, लौंडिया क्या पर्सनैलिटी और लुक पे मरती है, जान रहे हो? अबे अपने लिए बोल रहे हैं, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनखा 550, कंधे पे टांगे राइफल। अरे तुम्हारे वो नहीं है एडी? हाँ, तुम यहाँ सिलाई कर रही हो, वो वहाँ मलाई खा रहा है। तुम नौटंकी वाली लौंडिया, क्या नाम है? अरे उसका रोजी के साथ मजे ले रहा है, बचाए हम तीनों और लेके वो चला के साइकिल पर बिठा के आगे बैठ गई। क्यों मिलने आई थी तुमसे? क्यों? भैंस का मतलब क्या हुआ? मेरा मतलब है उसकी भैंस चोरी हो गई, रिपोर्ट लिखवाने आई थी। देखो बोलो, अगर आगे चलकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जान है नहीं मेरे पास। मतलब जान और दिल मैं दोनों तुम्ही को दे चुका हूँ ना। दरोगे जी, इनके लिए ना जान बाज में दे देना, उधर हरियाणा जहर खा कर जान दे रहा है, उसको बचा लो। का है वो घर में और का उधर है, इधर आओ। कुछ नहीं होगा बाबा, आप चिंता मत करो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। उनकी तबीयत कैसी है अभी? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग मिल सकते हैं उनसे। शुक्रिया। नमस्ते। अरे वो हकीम साहब तो मिले। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। एक मिनट, जहर क्यों खाया आपने? अरे जहर ना खाए तो और क्या करे, गाँव के 9 लोग जहर खाकर मर चुके हैं। अरे भी बच्चों को भूखा मरते देखने से तो अच्छा है खुद ही जहर खाकर मर जाए। मगर ऐसा क्यों? हरा भरा गांव है, जमीनें तो सबके पास है। जमीनें तो हैं, अनाज भी उगता है और किसान मेहनत भी करते हैं, मगर अनाज पहुंच जाता है सीधा दुर्जन सिंह के गोदाम में। कमाल है हजारी, इतनी जाति हो रही इस गाँव में, कोई साला कुछ नहीं कर रहा है। गोदाम कहाँ है? आओ आओ सब आओ, आओ। ये है दुर्जन कुत्ते का गोदाम, यहाँ पर रहता है चरम सीमा पे। सालों को हट, रुक रुक हट, तेरी जात का मेरा देश आजाद हो गया। एडी तुम मारपीट क्यों कर रहे हो? हम लोहा सिंह से बात कर लेंगे ना। हाँ, तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। 2 मिनट अक्कड़ बक्कड़ बंबे बोल,
सीने पे पूरे सौ सौ में लगा धागा चुनकर ए फोकट चल दारू रख क्या बे अब चलना मार तो दारू चाहिए पी दारू अरे पुलिस वाला होके लूट करने आया है अरे दुर्जन तो तुझे बाद में देखेगा पहले तुझे लोहा सिंह का लोहा चखना पड़ेगा तेरी तो मेरे शहजादे के साथ बदतमीजी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी सीधी तरह चाबी दे लोहा पिघला के वस्त्रा बना के उसी से तेरा फिर तू भी हमारी जमात में आ जाएगा एक तरफ लाली एक तरफ लोहा कत्तर दोहा चाबी दे वरना गुदगुदी करके जान ले लूंगी चाबी दे पहले गाड़ी की चाबी फिर गोदाम की चाबी ये दिल की चाबी एक एक करके सारी चाबियां दे दूंगी तुझे थैंक यू मीठे मेरे तीखे शहजादे चाबी मिल गई चलो 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 चाबी मिल गई मार दूंगा कोई भी सामने आया तो इतना सोना अरे हवन में बैठा हूँ बाद में फोन करो अबे गधे दुर्जन सिंह बोल रहा हूँ सरदार बोलिए सरदार किस चीज का हवन चल रहा है आपका सरदार मेरा मतलब है आपकी दीर्घायु के लिए यहाँ पे बहुत पवित्र हवन का आयोजन किया गया है सरदार मेरी लंबी आयु का अच्छा है अच्छा है चलो सब सामान मेरे घोड़े पे लाद दो शहजादी मुझे कब लूटोगे चीटा भाई माली माल है बाकी सब ठीक है ना मेरे होते हुए यहाँ क्या हो सकता है सब कुछ ठीक है तू बेसजा हो गया कदम दर बोलो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हट गई तेरी मार हेलो हेलो ये आवाज क्या है नहीं नहीं हटाओ हटाओ गरीबी हटाओ मतलब पंडित जी ने ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि सरदार की सारी गरीबी हटाइए यही बोल रहे थे आप अपना काम पूरा करके आइए सरदार यहाँ आपका तमाम काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है सरदार क्या बोल रहा है सरदार को हवन हो रहा है ऐसा बोला मैंने अच्छा तो हमारा सलाम भी बोलना आपका काम हो गया हाँ हो गया चलते तू हवन कर हवन का प्रसाद भी लेके गया मुझे लगता है वहां कुछ गड़बड़ हो रही है यहां ये साला गजराज भी नहीं मिल रहा मुझे वापस जाना होगा पर रजिया की तो गायक हो गई गाय गुंडों में फंसी रजिया कुत्तों में फंसी एक मिनट मैं कंफ्यूज हूँ एक काम कर सब लिख रजिया गुंडा कुत्ता दोनों तीनों कैसे हो सरकार अरे आप आप तो हमें भूल ही गए कसम से नहीं नहीं हम नहीं आपको ये कैसे भूल सकते हैं इन्हें तो बचपन से लेके आज तक सब बातें याद हैं एक एक घटना पूछ लो बोले ना आप आपका यहाँ कैसे आना हुआ का बताएं हमारा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता वैसे हम ये बताने आए हैं कि आज चंदनपुर में ना शाम को एक जलसा लगने वाला है अच्छा हम नाचने वाले और हमारा नाच देखने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आने वाली ओ मतलब पुलिस का बंदोबस्त है कोई बात नहीं ए मुरारी बंदोबस्त मेरा मतलब बंदोबस्त की तैयारी कर बंदोबस्त किसका भक्त को चाहिए तो हमें तो आप चाहिए अच्छा मतलब... आपके बिना आप... ना तो हमारी घुंघरों में वो अच्छा। छनक होगी ना हमारी थिरकन में वो नशा आप आएंगे ना ओए होए कहिए ना अब हम आएंगे ना हम सब आएंगे जरूर आएंगे अब आप 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 जाओ हमें आपका इंतजार रहेगा हाँ सब आएंगे यह
घड़ी तो हम भी पहनते हैं लेकिन कोई इंतजार ही नहीं करता साला। लेकिन भैया हम कहीं जाते भी तो नहीं है। हाँ वो भी तो ठीक है, बड़े प्राइवेट टाइप लोग हैं। हस्बैंड वाइफ। हाँ ठीक है फिर, मत आना।